दोस्तों, नहीं मिली है अभी तक मार्च महीने की पेंशन और फैमिली पेंशन, जरूर देखें ये वीडियो और तुरंत करें ये काम, जल्दी ही मिल जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जिनके की पेंशन अभी तक नहीं आई है, और ख़ासतौर से जब एक पेंशन भोगी की पेंशन नहीं आती है तो उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में सिर्फ आय का एक ही स्रोत होता है और वो होता है उनकी पेंशन। लेकिन इस बार हमारे बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आए थे कि उन्हें अभी तक यहाँ पर मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, और इसके अलावा आपको पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा 23 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया गया था, और उस आदेश में सभी श्रेणी के पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जो समय सीमा थी उसे बढ़ाकर कर दिया था 28 फरवरी 2021, यानी कि यदि कोई पेंशनर्स 28 फरवरी 2021 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता है तभी जाकर उसकी पेंशन अगले महीने से रोक दी जाएगी, यानी कि मार्च महीने की पेंशन उसकी नहीं आएगी। तो हमारे कुछ दोस्तों के यहाँ पर ये कमेंट्स आए थे कि उनकी जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन उन्हें मिल चुकी है लेकिन मार्च की नहीं मिली है। तो इसकी वजह यहाँ पर यही है कि जो आदेश जारी हुआ था 23 नवंबर 2020 को, उसमें यही कहा गया था कि यहाँ पर फरवरी 2021 तक किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन नहीं रोकी जाए, चाहे उसने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है या फिर नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट, और उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि उनकी जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो उन्होंने सबमिट कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पेंशन यहाँ पर रोक दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है यदि वो आपने ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू सबमिट किया है और आपको कोई मैसेज यहाँ पर नहीं मिला है बैंक के द्वारा एक्सेप्ट होने का या फिर रिजेक्ट होने का, तो आपको एक बार बैंक जाना चाहिए और आपके लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन प्रमाण पोर्टल है उसके द्वारा यदि कोई लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करता है तो उसके रिजेक्ट होने का और या फिर एक्सेप्ट होने का मैसेज, यानी कि कन्फर्मेशन मैसेज पेंशन भोगी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर जरूर आता है। यदि आपको नहीं मिला है तो आपको तुरंत बैंक जाना चाहिए और आपके लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो ये दो बड़ी वजह यहाँ पर, और उसके बाद में आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि अभी भी आपकी पेंशन मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप फिर से लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूर सबमिट कर दें। वो आप कर सकते हैं घर बैठे जीवन प्रमाण पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन, और जीवन प्रमाण पोर्टल से कैसे करना है इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद बैंक में विजिट कर सकते हैं लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए बैंक में जाना सही नहीं है, और या फिर आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर यानी कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं उनके द्वारा साइंड किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट है आपके किसी भी नज़दीकी जो आपकी पेंशन पेइंग बैंक है उसकी ब्रांच में आप सबमिट कर सकते हैं। तो इन 3 से 4 प्रकार के जो तरीके हैं उनसे आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पेंशन नहीं आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय पर सबमिट नहीं हो पाना, और यदि आपने सबमिट भी कर दिया है तो उसे बैंक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसीलिए अभी तक आपकी पेंशन यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो आप तुरंत प्रभाव से सबसे पहले आपकी बैंक में आपका लाइफ सर्टिफिकेट या फिर कुछ हमारे जो यानी कि जो अनमेरिड डॉटर हैं जो कि पेंशन यहाँ पर ले रही हैं उन्हें सबमिट करना पड़ता है अनमेरिड सर्टिफिकेट एक, तो वो भी आपको सबमिट करना है यदि आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं, और या फिर एक जो विडो पत्नियां हैं जो कि फैमिली पेंशन ले रही हैं तो उन्हें यहाँ पर सबमिट करना होता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो भी यहाँ पर अपना जो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट है वो के उसके बारे में भी ज़रूर बैंक में कंफर्मेशन प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से जो वीडियो में बताई गई जानकारी है वो सारे काम यदि आप कर लेते हैं तो आपकी पेंशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी, और हो सकता है कि जैसे ही अगले वर्किंग डेज में बैंक काम करना शुरू करती हैं आपका पेंशन आपके खाते में मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी आपके फायदे की रही तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।